हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4, इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे सेकंड का। इसमें देखो क्या कहता है, इसमें कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, ब्रैकेट में लिखा हुआ इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखो आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। यानी कि पहले तो आप इक्वेशंस बनाओ, स्टेटमेंट दी हुई है जैसे पिछले एक्सरसाइज में भी था आपके पास, ठीक है। वहाँ पर आपको लेकिन सॉल्व करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ पर भी उसी तरीके की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और आपको सॉल्व करना है इसमें एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है इसमें भी, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो एक्स और वाई की टर्म्स में ही बनती हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है इसमें भी, तो वही सॉल्यूशन होता है इसमें मतलब, ठीक है। लेकिन ये सब आपको करना है एलिमिनेशन मेथड से, ये आपने सीख ही लिया कि कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन में चलते हैं हम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहते हैं, कहते हैं इफ़ वी एड वन टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। इट बिकम्स, इसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद कह रहा है इट बिकम्स वन बाई टू इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है, मतलब ये कि जो आपके जो फ्रैक्शन है वो हो जाए वन बाई टू, कब, अगर वन ऐड करें सिर्फ डिनोमिनेटर में, तब फ्रैक्शन वन बाई टू आ जाए। मतलब ये दूसरी कंडीशन है, यहाँ से समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बता दो जरा, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो देखो पहले फर्स्ट कंडीशन अगर हमें लगानी है इसमें, तो सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा न्यूमिरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। ये तो पता है ना आपको, जैसे कोई फ्रैक्शन होती है, जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये ऊपर वाला न्यूमिरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये तो पता ही, आपको पहले भी क्वेश्चन किए हैं आपने ऐसे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसमें लेट द न्यूमिरेटर बी एक्स एंड लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। डिनोमिनेटर कितना मान लिया हमने, वाई मान लिया, कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन बनेगी, देखो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन अगर यहाँ से देखें हम, न्यूमिरेटर एक्स होगा और डिनोमिनेटर वाई होगा, क्लियर। अब कंडीशन पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है कि अगर आप ऐड करो वन टू द न्यूमिरेटर। देखो जैसे ये मान लो ये फ्रैक्शन है एक्स बाई वाई, ठीक है, ऐड करो वन न्यूमिरेटर में, यानी कि वन ऊपर ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर और नीचे से माइनस वन करो, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या रह जाएगी, वन रह जाएगी। मतलब जो फ्रैक्शन रह जाएगी वन रह जाएगी, समझ रहे हो। अब फ्रैक्शन में वन है तो वन बाई वन भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब यही है, वन है तो नीचे ऑलरेडी ये वन ही होता है किसी चीज़ के। जैसे मान लो कोई चीज़ थ्री है तो नीचे उसके हम वन ले सकते हैं, तो वो फ्रैक्शन में हम इसको बोल सकते हैं, क्लियर। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फ्रैक्शन तो है नहीं ये, कि वन रह गया सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वन के नीचे भी वन रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये पहली कंडीशन बनी, यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं एक। देखो ये x प्लस वन यहीं रहने देते हैं, y माइनस वन इधर जाएगा, y माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर इतनी बात, ठीक है। या ऐसे समझ सकते हो, इसके नीचे हम वन लगा सकते हैं, तो ये वन इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये इधर गई टर्म और ये इधर टर्म चली गई, ठीक है। वन इधर आ गया और ये y माइनस वन इधर चला गया, समझ रहे हो। तो ये आ गया आपके पास x प्लस वन इक्वल टू में, ये क्या आ गया आपके पास y माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, ठीक है। तो देखो x इधर रहने देते हैं, ये y इधर जाके माइनस का y, इधर माइनस वन है और ये प्लस वन इधर जाके माइनस का वन, कितना आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, साइन विच इज़ ग्रेटर, दोनों में ही माइनस है तो कोई टेंशन नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, विच इज़ ग्रेटर वाला, तो दोनों में ही माइनस है क्योंकि सेम नंबर है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो माइनस ही रखेंगे, ठीक है। तो और वन कितना होता है टू, और ये x माइनस वाई हो गया, ठीक है। ये मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, कह रहा है जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, अब वन बाई टू हो जाएगी अगर हम क्या करें, डिनोमिनेटर में ऐड करें सिर्फ वन, इफ़ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर। तो मतलब देखो ये है फ्रैक्शन और वो कह रहा है डिनोमिनेटर में ही अगर ऐड करें वन, तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ जाएगी, वन बाई टू, कह रहा है ना इट बिकम्स वन बाई टू, तो ये वन बाई टू आ जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, टू इंटू एक्स, टू एक्स आ गया, और ये वाई प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर वाई प्लस वन ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू एक्स और ये वाई इधर जाके माइनस का वाई और इधर ये वन ही रहेगा। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ हम इसको सोल्व कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है। देखो फर्स्ट ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब एक्स वाली टर्म अगर हम सेम बनाएं या वाई वाली ऑलरेडी सेम है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं इनको, ठीक है, समझ रहे हो। एक्स माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का टू और इधर हो जाएगा ये आपके पास टू एक्स और ये है माइनस का वाई इक्वल टू में वन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो देखो सेम है ये साइन चेंज करने पड़ेंगे, सेम वैल्यू तभी कैंसिल होती है, तो यानी कि क्या होगी इसमें सब्ट्रैक्शन, और अगर सब्ट्रैक्शन होती है तो नीचे क्या हो जाते हैं साइन चेंज, ये प्लस का है तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। ये सेम वाले कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस वाई बन गया एक प्लस वाई,
ये देखो ये इधर प्लस है और ये वाला नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो टू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, टू में से वन माइनस करो वन, और ये मतलब वन एक्स आ जाएगा, तो इसको मैं एक्स लिख सकता हूँ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस और साइन विच इज़ ग्रेटर तो माइनस, और टू और वन कितना आ गया थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स कितना आ गया आपके पास थ्री आ गया। क्या इतनी बात क्लियर आई है समझ में? क्या करो अब यहाँ पर, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो ये है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो x की वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ थ्री, माइनस वाई इक्वल टू में माइनस टू, माइनस वाई इधर ही रहने दो, ये माइनस का टू और ये थ्री इधर जाके माइनस का थ्री बन जाएगा, तो माइनस का y और माइनस माइनस प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन और माइनस माइनस प्लस हो रहा है, थ्री और टू कितना हो गया फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल, और y कितना आ गया आपके पास फाइव आ गया, समझ रहे हो? तो यानी कि जो फ्रैक्शन बनेगी, अब फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, x बाय वाई थी, तो x कितना है थ्री है और y कितना है फाइव है, तो यानी कि जो फ्रैक्शन आई है वो अब हमारे पास ये आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्योंकि x को आपने न्यूमिनेटर माना था, डिनोमिनेटर y को माना था, x थ्री है और y फाइव है, क्योंकि फ्रैक्शन होती है x बाय वाई, तो x की वैल्यू थ्री और अपॉन में फाइव y की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो फ्रैक्शन आ गई थ्री बाय फाइव, ये आपका आंसर है। आया समझ में कैसे किया ये हमने? ठीक है, तो मेनली है इसमें आपके पास, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो मेन क्या रह गया है इसमें, अब इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन बड़ी सिंपल है बनानी, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है तो जैसे मैंने बनाई है ऐसे ही आप बनाओ, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आता, नया क्वेश्चन आ जाता है एकदम से नहीं समझ में आता, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही दिमाग में आने लग जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, ये अभी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले आप खुद ट्राई करके देखो, ऐसा क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी था, समझ लो इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो ऐसे आप ट्राई करो तो अपने आप ही आएंगे समझ में, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।